बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिए, बहुत अच्छे पेपर से, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए। हर बच्चे ने अपनी सी कोशिश की हुई थी और कुछ बच्चे जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने देख के किया। चले बेटे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि आप लोग तो खुद से अटेम्प्ट करें। मोहम्मद रियान 97 बेटे बहुत अच्छे पेपर, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिए आपने। अदीन बट 133 बेटे आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किए थे। और इकरा आसिफ बट बेटे मैं आपके लिए बेहद फिक्रमंद हूँ, आपने इतने खराब तरीके से पेपर सबमिट कराया। मुझे बताएं आप करने दिल चाहता बेटे आप नहीं करती, लेकिन कोई मैनर्स होते हैं, कोई एटिकेट्स होते हैं। बच्चे इतने खराब तरीके से आपने पेपर सबमिट करवाए हुए थे कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वारिस बच्चे आपकी कुछ केयरलेस मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, अगर आप लोग इतने केयरलेस होकर काम करेंगे तो बाकी बच्चों को मैं किसकी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है ना। तो अब जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर अभी भी किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन से मुताल्लिक कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बच्चा मुझे अभी पूछ ले, रेज योर हैंड कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है। बेटे जब तक आप लोग को मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन क्लियर नहीं हो जाता, आगे प्रोपोर्शन और एवरेज आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिगार्डिंग दैट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेकन फ्रॉम योर मैथ्स ए बुक चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटे, सिंपल प्रोपोर्शन क्या होता है? सिंपल प्रोपोर्शन ये होता है कि आपको किसी भी चीजों की, कुछ चीजों की जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई फलानी चीज इतनी चीजें इतने पैसों की है, ठीक है। तो इतनी चीजें कितने पैसों की होंगी, आप लोगों ने उनकी प्राइस या उनकी कॉस्ट या उनकी क्वांटिटी या उनका कुछ भी जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है और कम क्वांटिटी भी हो सकती है, वो फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले आप वन चीज, एक चीज की प्राइस या कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी एक यूनिट प्राइस आप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूज देती हूँ कि बिल फर्स्ट सपोज करें कि अगर मैं बाजार गई हूँ, ठीक है, वहां पर मुझे कोई स्पिनर्स, आप लोग स्पिनर्स खेलते थे ना, वो मुझे पसंद आ जाते हैं, ठीक है। मैं दो स्पिनर्स लेकर आती हूँ और दो स्पिनर्स मुझे मिले हैं 300 के, ठीक है। मैं घर आई तो घर आके मुझे कुछ अपने बच्चों को दिए मैंने, ठीक है। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि आप लोग के स्पिनर तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा करें हमें 5 स्पिनर और ला दें तो हम आपको कल पैसे ला देंगे। अब मुझे ये बताएं कि हम उनसे कितने पैसे लेंगे? अगर हमारे दो स्पिनर्स जो हैं वो 300 के हैं तो 5 बच्चों से या 5 स्पिनर कितने पैसों के आएंगे? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें एक स्पिनर की कीमत मालूम हो। जब हमें एक स्पिनर की कीमत मालूम होगी तो खुद ब खुद हम एक कीमत के लिहाज से 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। या इसको और अगर आप सिंपल अल्फाज में लेना चाहे तो हम सिंपल एग्जाम्पल देंगे, डेली एग्जाम्पल। जैसे बच्चे हैं वो जा रहे हैं कोई तंदूर से रोटी लेने, ठीक है ना। तो हमने कहा कि आप ले आए 4 रोटियां, तो वो कितने की आएंगी? 60 रुपीस की, ठीक है। किसी ने कहा कि मुझे तो आप लोग 8 रोटियां ला दे, तो 8 रोटियों के लिए आप कितने पैसे लेंगे? जाहिर सी बात है आपको पता है कि जो एक रोटी है वो 15 रुपए की है, ठीक है ना। तो 15 रुपए के लिहाज से आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही वाला तरीके को आपने लेकर चलना है। पहले आपके पास जो प्राइस गिवन है उसकी 1 यूनिट की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने एक चीज की कीमत मालूम कर लेनी है। जब आपके पास एक चीज की कीमत आ जाती है तो बस फिर जितना भी उन्होंने पूछा है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह होगा। सिंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, 12 पेन्स, कितने पेन्स है? 12, उनकी कीमत कितनी है? 60। 12 पेन्स की कीमत है 60 रुपीज, दे आर 12 पेन्स और उनकी कीमत है 60। आपने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले एक क्या,
एक जो है उसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है। टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन पेन वी विल डिवाइड, इन दोनों चीजों को आपने डिवाइड कर देना, इन दोनों चीजों को आपने डिवाइड कर देना। 60 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 5 बेटे आप चाहें तो इसको आप फ्रैक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन के तौर पर लिखा है, 60 उसकी कीमत है और 12 जो है वो उसकी प्राइस है। तो आपने इसको लिखा, यहाँ पे आपको पता है कि इसकी इजीली 12 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, तो आपने 12 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया। 12 फाइव जा एंड 12 वन जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/1। जब आपके पास 5/1 आ जाएगा तो हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आ गया एक पेन आपके पास 5 रुपए का, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 7 पेन, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 7 पेन। अब जब आपके पास एक पेन की कीमत आ गई है, जब आपको पता चल गया है कि जो 1 पेन है दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज, तो फिर 7 पेन हो या 100 पेन हो या 200 पेन हो या 6 करोड़ पेन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिंपल 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितने पेन की कीमत मालूम करनी थी? 7 की। 1 की क्या प्राइस है? 5, तो 5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 35, ठीक है। इसी तरह इसको हम ये देख लेते हैं कि अगर 6 पैकेट्स हैं उनका वजन है 480 ग्राम्स, ठीक है। 6 पैकेट्स हैं, जिसकी भी पैकेट है, ठीक है, उसका टोटल वजन आपके पास है 480 ग्राम्स। आपने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ 9 पैकेट्स, आपने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ 9 पैकेट्स। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ 9 पैकेट्स? तो सबसे पहले आपने 1 पैकेट का वेट निकालना है। सबसे पहले आपने 1 पैकेट का वेट फाइंड आउट कर लेना है। जब आपके पास 1 पैकेट का वेट आ जाएगा तो आप कितने भी पैकेट्स का वेट निकाल सकते हैं। तो 9 पैकेट्स का, 1 पैकेट का फाइंड आउट करने के लिए पहले आप इन दो नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, 480 डिवाइड बाय 6, आपके पास आंसर आ गया 80 ग्राम्स। अब 80 ग्राम्स क्या है बेटे? ये 1 पैकेट का वेट है। आपने फाइंड आउट किसका करना है? आपने फाइंड आउट करना है 9 पैकेट्स का। तो आप क्या करेंगे कि 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 0 एज इट इज आ गया एंड 9 8 72, तो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो थी एग्जाम्पल्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। और क्वेश्चंस है हमारे पास, इसके लिए मैंने आपकी बेहद सिंपल जो है स्टेटमेंट कर दी है, थ्रू आउट आपकी स्टेटमेंट यही रहेगी और आपको बेहद मजा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। और सबसे और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपका चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपके बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर्स थे या जिनमें आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे क्वेश्चंस हैं, तो अब इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिन बच्चों ने फेयरली पेपर दिए हैं उनके लिए तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा बेटे, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने ये उसी तरह करने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने अपनी मैथ्स ए की बुक में नीट एंड क्लीन जैसे मैंने किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपने पहले अपनी मैथ्स ए की बुक में इसको नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है और फिर आपने इसको एज अ टेस्ट लूज शीट पर अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया मेरे बेटे? चले हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु विल रीड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मी? हेरा जुल्फिकार, बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बच्चे आप क्वेश्चन पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्वेश्चन पढ़िए। हेरा रीड द क्वेश्चन। हेलो, लगता है हीरा को हमारी आवाज नहीं जा रही। हम हेलो इब्राहिम इमरान की तरफ। इब्राहिम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। जी बेटे। नमस्कार टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। 8 पेन कॉस्ट ₹24, हाउ मच वुड 5 पेंसिल्स कॉस्ट? 8 पेंसिल्स की कीमत है ₹24, तो पूछेंगे 5 पेंसिल्स की कितनी कीमत होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और बहुत अच्छा आपने ट्रांसलेट किया बेटे। 8 पेंसिलों की कीमत जो है, प्राइस जो है वो आपको गिवन है, डेट इज ₹24।
और आपसे पूछा गया है कि 5 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है हर हाल में, आपने 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाल लेनी है। 1 पेंसिल की यूनिट कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट पेंसिल की आपने जो प्राइस फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसका तरीका क्या क्या है कि 8 पेंसिल्स है और 24 की, तो ये दो नंबर जो है ना, इन दो नंबर्स को आपने आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। 8 पेंस कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स डिवाइड इज 24, इन दोनों को आपने बेटे 1 की फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड करेंगे 24 की टेबल में 8 आता है 3 टाइम्स, ये क्या रुपीज से, 3 रुपीज। 1 पेंसिल की कीमत क्या हो गई, 3 रुपीज। अब आपने फाइंड किसकी करनी है, 5 की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, उसके लिए आप इस 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर तो एज इट इज नीचे आ गया ना, 3, 1 था 3 का, फाइंड आउट कितने का करना है, 5, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो मेथड है वो क्या है कि पहले आपने डिवाइड करना है, फिर आपने आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली दो वैल्यूज को आपने डिवाइड करना है और इनका जो आंसर आता है उस आंसर को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, मैं फिर बताती हूँ बेटे आपको। ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं बेटे, आपने इनको आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। इन टू वैल्यूज को आपने आपस में डिवाइड करना है और जो इनका आंसर आएगा उस आंसर को आपने थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और इसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं जी। 12 टिन्स ऑफ मिल्क कॉस्ट 480 रुपीज, हाउ मच वुड 15 टिन्स कॉस्ट। आपके पास 12 टिन्स ऑफ मिल्क की कीमत है 480, आपने फाइंड आउट करनी है 15 टिन्स की कीमत। तो अभी जैसे कि बेटे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने सबसे पहले इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेना है। कॉस्ट ऑफ 12 टिन्स इज 480, आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 480 डिवाइड बाय 12, और आप जानते हैं कि 12 वन्स आर 12 एंड 12 फोर्स आर 48, और ये जीरो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 40/1। जब 40/1 आ गया तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर आंसर होता है, तो हमने न्यूमरेटर लिख दिया रुपीज 40। ये क्या है, ये है 1 टिन की वैल्यू, 1 टिन की कीमत। 10 ऑफ मिल्क 1 कितने का है, 40 रुपए का है, और आपसे पूछा कितने का गया है, 15 टिन्स का। तो बेटे अभी जो मैंने आपको बताया कि जाके पास आंसर आता है उसको आपने थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ 15 टिन्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये जीरो एज इट इज आ गया एंड 415 60, तो आपके पास आ गया 600 रुपीज, ठीक है। एक तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और मैं पूछती हूँ, हु विल रीड क्वेश्चन नंबर 3 फॉर मी। मारुख बच्ची मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, काइंडली रीड क्वेश्चन नंबर 3 फॉर मी। Yes, 20 books of some same 20 type. Books of same type cost rupees 340. What would be the cost of 8 set books? 20 books ki same type hai, unke kimat hai 340, lekin kitni kimat hogi 8 books ki? ठीक है, अच्छा बेटे जो मैंने आपको previous 2 questions समझाए हैं आपको समझ में आए हैं? गुड, अच्छा आपके पास है बेटे 8 बुक्स एक ही तरह की, सेम टाइप का मतलब है एक ही तरह की। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एक ही बुक है, ठीक है, 20 मैथ्स एक ही बुक है, तो उन 20 बुक्स की प्राइस है 340 रुपीज, सही है। लेकिन उन्हें पूछा है कि ये तो 20 की प्राइस है, आप हमें बताएं कि 8 ऐसी बुक्स, सच बुक्स का मतलब ऐसी ही बुक्स 8 जो होंगी वो कितने की बनेंगी, सही है ना। हमने सबसे पहले क्या करना है कि 340 को और 20 को डिवाइड कर देना है। कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज 340 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन बुक, और वन बुक का प्राइस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इन दो वैल्यूज को हम क्या करते हैं,
इन दो वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं 340 डिवाइड बाय 20। आपने इसको फ्रैक्शन की तरह 340 डिवाइड बाय 20 लिखा, जैसे मैंने आपको समझाया, वह 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 1s are 2 एंड 2 17s are 34 एंड व्हेन देयर इज 1 इज इन द डिनोमिनेटर ओनली 17 इज द आंसर। आपके पास एक बुक की प्राइस आ गई 17 रुपीस। ठीक है, अब उन्होंने कितनी बुक्स की कीमत पूछी है, उन्होंने पूछी है कि आप हमें बता दें कि 8 बुक की प्राइस क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स वुड बी 17, जो कि एक बुक की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 8 और आंसर आ गया 136 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे लिए रीड करेंगे मारुख अकील। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Assalamualaikum teacher. Waalaikum assalam bete. A man saved rupees 950 in 10 months if he saved an equal amount in each month, how much did he save in 7 months? ठीक है, इसका मतलब बेटे एक दूध वाले ने, दूध वाला ये तो एक आम साधारण आदमी है बेटे, एक आम आदमी है, कोई भी एक आदमी, एक आम आदमी ने फाइव एक 10 मंथ में 950 रुपीस क्या होता है जमा करता है। हाँ, सेव किए, वेरी गुड। अब वो 7 मंथ में कितने पैसे जमा कर सकते हैं? ठीक है, गुड, नाइस ट्राई। मैं आपको बताती हूँ बेटे, एक आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने एक फिक्स अमाउंट ना वो अपने हर महीने जमा करता रहा। 10 महीनों में उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, 950 रुपए। ठीक है, आपने ये बताना है कि अगर ये उतने ही पैसे एन इक्वल अमाउंट, यानी कि ये नहीं हुआ था कि एक महीने में 10 रुपए बचे, एक महीने में 20 रुपए बचे, एक जैसे अमाउंट जो है वो सेव करता था। ठीक है ना, तो अगर उसने 10 महीने में 950 रुपए बचाए हैं, जमा किए हैं, तो 7 मंथ्स में उसके पास कितने जमा हुए होंगे? ठीक है, 7 मंथ्स में उसे कितने जमा हुए होंगे, तो 10 महीने में उसके 950 है। तो हमारा सरोकार सिर्फ और सिर्फ इन दो वैल्यूज से है। सबसे पहले सेविंग इन 10 मंथ्स कितनी है, 950 रुपीज। बेटे ये RS पहले लिखा हुआ होता है, लेकिन आप इसको पढ़ते बात में है, हम इसको कहते हैं 950 रुपीज। ठीक है, तो सेविंग आपकी 10 मंथ्स की कितनी आ गई, 950 रुपीज। आपसे पूछी कितनी गई है, 7 मंथ्स की। 7 मंथ्स का बताने से पहले आप 1 मंथ की फाइंड आउट कर लेंगे, हर चीज को पहले 1 पे लेकर आएंगे। तो सेविंग इन 1 मंथ ये आपके पास आ गया। इसको करने का तरीका क्या, मैंने आपको बताया कि इन दो वैल्यूज को, फर्स्ट टू वैल्यूज को आपने डिवाइड कर देना है 950 डिवाइड बाय 10। और ये आप जानते हैं कि जब आपके पास यूनिट प्लेस में जीरो होता है तो जीरो जीरो से कैंसिल हो जाता है, या आप चाहे तो बेशक इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए तो भी आंसर आपका यही आएगा। अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं वो है 95 बाय 1। तो बेटे जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको सिर्फ न्यूमिनेटर हमारे पास आंसर होता है। तो हमारे पास एक महीने की सेविंग कितनी थी, उसकी एक महीने की सेविंग थी 95 रुपीज। वो 100 रुपए पूरे नहीं बचाता, 95 रुपीज जो है वो सेव करता है। एक महीने की सेविंग कितनी है, 95 जमा कर करके उसके पास 10 महीने में कितने पैसे हो गए, 950। आपसे पूछा क्या गया है, 7 मंथ्स, आपसे सेविंग पूछी गई है 7 मंथ्स की। तो 7 मंथ्स की सेविंग फाइंड आउट करने के लिए आप 95 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 95 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास आंसर आ गया 665 रुपीज। ठीक है, 665 रुपीज उसके पास जमा हुए थे 7th मंथ में। 7th मंथ में 95 मिलाते मिलाते उसके पास 665 रुपीज जमा हुए थे। ठीक है, ये थी आपके पास अब तक की 4 वर्ड प्रॉब्लम। ये आपने एज इट इज बेटे इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस आ गई, एक बार आपको इसका समझ में आ गया, तो आपके लिए यकीन कीजिए बाकी सारी चीजें बेहद इजी हो जाएंगी और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इंशाल्लाह आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। कीप प्रैक्टिसिंग।
और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद बुक पे नीट एंड क्लीन, आपकी मैथ्स एक ही बुक पे नीट एंड क्लीन लिखना है और उसके बाद फिर आपने इसको न्यूज़शीट पे लिखना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।